यूएसएस फाउंडेशन व ज्ञानपुर हैंडीक्राफ्ट भदोही के सौजन्य से आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव कादीपुर व कंधवा में रंगोली एवं पतंग उत्सव के साथ मनाया गया। यूएसएस फाउंडेशन ने ज्ञानपुर हैंडीक्राफ्ट भदोही के साथ मिलकर 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इसके उपलक्ष्य में कादीपुर कंधवा वाराणसी में रंगोली एवं पतंग उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों जगहों की महिलाओं एवं लड़कियों ने रंगोली उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें महिलाओं एवं लड़कियों ने बुनकरों व सफाई कर्मियों ग्रीन काशी क्लीन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ऊपर विभिन्न प्रकार की रंगोली के कार्यक्रम का आयोजन किया, जो बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के आजीवन सदस्य एवं दिशा कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल संदीप पांडे ने बताया कि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रभक्ति को सभी के अंदर जागृत करना है। राष्ट्र उत्थान में हर एक मनुष्य हर एक व्यक्ति का साथ होना चाहिए। अमृत महोत्सव जो खुशियों का पर्व है, इसमें एक दूसरे को खुशियां बांटते रहना चाहिए। मुख्य अतिथि विनय मालवी जी ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम देश के हर कोने कोने में हो रहा है, ये बड़ा ही खुश एवं गौरवान्वित करने वाला पल है। साथ ही विशिष्ट अतिथि शिवम मालवी जी ने काशी में हो रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि एक राष्ट्र प्रेम देशभक्ति की भावना जागृत करता है, इसमें हर एक राष्ट्र प्रेमी एवं देशभक्त व्यक्तियों का कर्तव्य है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। साथ ही पतंग उत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवा बुजुर्ग नवयुवक सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पतंग उत्सव का आनंद लिया। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में संस्था के सदस्य पदाधिकारी सभी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह के साथ साथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आनंद लिया। आजादी के 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय आयोजन में आज दूसरा दिन है। कितने दिन चलेगा ये? आज इस कार्यक्रम का समापन है। समापन है, किस तरह से समापन किया गया, क्या है? आज इस कार्यक्रम में पतंगबाजी का आयोजन किया गया, रंगोली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से गांव के लोगों ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया और अमृत महोत्सव के अवसर पर पतंगबाजी का भी आयोजन किया गया। कहां पे हुआ है ये? कादीपुर क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य है अमृत महोत्सव मनाने का कि राष्ट्र प्रेम देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करना, और हम लोगों को ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको हम एनी टाइम एनी समय और प्रत्येक दिन मना सकते हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने कल झांकियां निकाली, कल शिल्पकारों पर और फिर अन्य जो है ग्रीन काशी क्लीन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर हम लोग झांकियां निकाली, और आज पुनः हम लोग ने कंधवा गांव के बगल में कादीपुर जो गाँव है यहाँ पर उन्होंने रंगोलियाँ बनाई, जिसमें कोरोना वॉरियर्स, उसके बाद जो है ग्रीन काशी क्लीन काशी और पृथ्वी को हरा भरा बुनकरों पर, ऐसे हम लोग सभी विभिन्न प्रकार की जो है रंगोलियों बनाकर ग्रामवासियों को हम लोगों ने जागरूक किया। ग्रामवासी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, महिलाएं बच्चे सभी लोगों ने हिस्सा लिया, और इसमें पतंगबाजी के साथ साथ अंतिम जो हम लोग का पड़ाव है, हम लोग का फुटबॉल टूर्नामेंट जो हो रहा है और वॉलीबॉल हो रहा है, और ये जो है जैसे ही समाप्ति होगा उसके बाद हम पुनः हम लोग इसका समापन करेंगे। उसके बाद हम लोग हर एक साल इस कार्यक्रम का लगातार आयोजन करते रहेंगे, और इसके बाद मैं जो है ग्रामवासियों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, प्लस जो है बम्बो क्लस्टर और ज्ञानपुर क्राफ्ट क्लस्टर, इन दोनों लोगों का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद।